नमस्कार ज्योतिष प्रेमियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा वेबिनार 5 सितंबर को द्वादशांशा यानी D12 पेरेंट चार्ट के ऊपर होने वाला है और इसमें सर हमें बहुत कुछ सिखाएंगे। आज हमें सर इसके बारे में थोड़े से क्लिप्स दे रहे हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू जी। तो सर D12 में आज हमारे व्यूअर्स को कुछ टिप्स अवश्य दीजिए ताकि उन्हें भी समझ आए कि D12 हमें क्यों देखना जरूरी है। ये वर्गा चार्ट भी पराशर जी ने क्यों बताया गया है? D12 एक्चुअली हमारे पूर्वजों का चार्ट है। हमारी जो लीनिएज है, जो हमारी पहले की पीढ़ियां हैं, जो हमसे पहले थे जी, और हमारे शास्त्रों के अनुसार हम किस परिवार में जन्म ले रहे हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है जी, हमारे जीवन में। तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आपको आपके पूर्वजों के बारे में बताता है। अब यहां जो एक मेन गलती जो लोग करते हैं समझने में, बहुत से ये पूछते हैं कि भाई 5-6 भाई बहन हैं तो हर एक का D12 तो सेम होना चाहिए। जी सर, हर भाई बहनों का, उसमें ये बारीकी आपको समझनी है कि आपके लिए पूर्वज कैसे हैं, क्योंकि ये आपके पूर्वजों का चार्ट है। आपके भाई या बहन के लिए पूर्वज कैसे हैं वो उसके चार्ट से पता चलेगा। कुछ चीजें जरूर कॉमन होंगी क्योंकि आप उसी लिंक में आ रहे हैं, परंतु आपके साथ उनकी ब्लेसिंग रहेंगी या वो आपको श्राप दे के गए हैं, ये आपके चार्ट का है। अब आप मान लो 4 भाई हैं तो उसमें से एक ज्यादा प्रिय होता है आपके माँ बाप और पूर्वजों का, दूसरा नहीं होता। तो ये चीज बड़े ध्यान से समझ लो कि भैया ये जो D12 है ये आपकी कुंडली का है, आपके लिए आपके पूर्वज कैसे हैं वो आप हरेक पे अपने भाई बहनों पे अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है भैया, तो एक तो ये बात बहुत बड़ी बड़ी है, बहुत ही बड़ी बात है, समझना चाहिए। यस सर, क्योंकि ये भी है कि सभी भाई बहनों में किसी को प्यार कम मिल पाता है और किसी को नहीं मिलता, बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो ये D12 से लग जाता है, पता लग जाता है कि आपका किस तरह का चलेगा। अब यहां पर हमारा हमेशा प्रिंसिपल रहा है लगन को देखते हैं। हर डिविजनल चार्ट में मैं वहीं से शुरू करता हूं। जी सर, बिल्कुल। तो D12 का भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप आपको ये देता हूं कि अगर लगन शुभ है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके विचार अपने आपके पूर्वजों के प्रति शुभ हैं, आपकी इच्छा वो है। इसका मतलब है कि पूर्वजों ने आपको प्यार दिया है, तभी तो आप प्रेज कर रहे हो उसको। जी जी, अब समझदार को इशारा काफी है। ठीक है, दूसरा एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे शास्त्रों में ये लिखा है
कि राहु और केतु ये हमारी लिंक बताते हैं, पूर्वज बताते हैं। बहुत से कहते हैं ना कि केतु नाना की साइड और राहु, पर उससे हटकर के मैं थोड़ा सा बता रहा हूं। ओके, एक्चुअली आप अगर इनका सिंबल देखो तो केतु के दो गोले ऊपर की तरफ और राहु के दो गोले नीचे की तरफ, तो राहु तुम्हें पृथ्वी पर ला रहा है नीचे की तरफ, वहां से लिंक करता है जो पूर्वजों से, और केतु के दोनों गोले वो आसमान की तरफ है। जी सर। तो एक्चुअल में तो केतु जो है वो आपके पूर्व संबंधों को, पूर्व लीनेज को दर्शाता है, और डी 12 हमारा उसका चार्ट है। हाँ जी सर। तो सिर्फ सिर्फ केतु को देख लो भाई को, वहां केतु भाई साहब किस भाव में बैठे हैं, किससे दृष्ट हैं, उस तरह का आपका उस पीढ़ी में, अब अपनी पीढ़ी में इस तरह का जन्म देखा जाएगा। आप उस पीढ़ी में कहां फिट हो गए। जी सर, इसका एक उदाहरण, बहुत बड़ा पॉइंट बना रहा हूं ये सर, बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा सर, बहुत बड़ा। सिर्फ केतु को देख, क्योंकि केतु को मोक्ष का कारक भी माना जाता है। मोक्ष भी है, यही तो लीनियज देता है। जी सर। जी, पीढ़ी दर पीढ़ी लिंक वहीं से आती है। जी सर। सर इसे कोई चार्ट ले लो। जी सर। जी सर, बिल्कुल। डी 12 लगा दो। जी सर। सर ये एक चार्ट है आपका, किसी का भी हो, डी 12 का है। सर डी 12 में लगा रही हूँ। जी सर, डी 12 ये हो। ठीक है भैया। जी सर। अब यहां पर आप देखो डी 12 में केतु नवम भाव में बैठे हैं। जी। और किस तरह बिहेव कर रहे हैं, वो चंद्रमा की राशि में है। हम केतु का एग्जामिन करेंगे बस। जी सर। जी, जी। केतु पर मंगल की दृष्टि है जो लग्नेश है। जी सर। और केतु के स्वामी जिस राशि में है वो चंद्रमा है। चंद्रमा उच्च के बैठे हुए है भाई साहब, बृहस्पति के साथ है, तो केतु की पोजीशन तो पहले बता रही है कि एक धार्मिक पीढ़ी से आपका संबंध है। जी। आप धर्म को, अपने वैल्यूज को ध्यान देंगे। क्योंकि बृहस्पति से भी संबंध आ गया, शनि से दृष्ट हो रहे हैं, मंगल से। ठीक है जी, शनि से नहीं सर, मंगल से दृष्ट। नहीं नहीं, चंद्रमा और जुपिटर शनि से दृष्ट हो गए। चंद्रमा और जुपिटर शनि से दृष्ट हो गए। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो वो डेप्थ भी, और क्या कहते हैं, परेशानियां भी। मतलब अगर शनि लगन में आ गया है तो वो बहुत सुखी वर्त नहीं है, परंतु धर्म से प्रेरित है। इसीलिए दो पॉइंट में एक साथ ले रहा हूं, केतु और केतु के संबंध वो कैसा कर रहा है, केतु का स्वामी कौन है, उसके क्या संबंध है। ठीक है, अब मान लो केतु आठवें भाव में आ जाए और जो अष्टमेश है उससे संबंध ना आ रहा हो,
या अष्टमेश बकवास जगह पे बैठा हो, मतलब संबंध नहीं बना है। जी सर, जी सर। तो इसका मतलब है कि इस जन्म में कुछ सीक्रेसी है, कुछ ना कुछ पीढ़ी में कोई कुछ ना कुछ सीक्रेट छुपी हुई है। बहुत बढ़िया सर पॉइंट। मतलब केतु कहाँ बैठा है सबसे पहले तो उसे, केतु को हम एग्जामिन कर लेंगे। जी, तो इसमें हम कहेंगे ये जन्म थोड़ा कष्टों से भरा हुआ है, परंतु धर्म के रास्ते पर परिवार चल रहा था और वो धर्म आपको पीढ़ी दर पीढ़ी से मिले हैं। बहुत बढ़िया, बाकी सब बात करेंगे जब हम पूरा वेबिनार करेंगे। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब पता नहीं और क्या क्या बात आ जाती है जी, क्योंकि आपको पता है मैं भैया कोई प्रिपेयर करके तो बोलता नहीं हूं। जी ठीक है, और जब जैसे जैसे कुंडली आती चली जाती है उसका प्रभाव देखते चले जाते हैं। तो यहां पर हमने दो ही पॉइंट देखे, लगन और केतु। अब लगन भी बहुत बली है, आप देखो मंगल खुद देख रहे जी सर, लग्नेश, केतु को भी लग्नेश देख रहे, हार्ड वर्क हो रहा है, लकी है, चंद्रमा उच्च के है, धर्म से प्रेरित है। बहुत बढ़िया पॉइंट सर, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, जी सर, चलो फिर उसमें 5 तारीख को मिलेंगे। हाँ जी, 5 तारीख को सुबह 10 बजे रविवार के दिन हमारा वेबिनार है और वो टीचर डे भी है, तो हम सभी अपने टीचर के सम्मान भी करेंगे। सर आपका बहुत बहुत हार्दिक शुक्रिया सर, आप इतने पॉइंट हमें बताते हैं कि बस मन खुश हो जाता है सर। चलो ओके सर, रिकॉर्डिंग बंद करो।